पाजी, चोरी का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा पाजी। क्यों? शरीफ आदमी चोरी कर ही नहीं सकता, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे जो हालात हो गए ना पाजी, हर आदमी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है आजकल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो एक्टर लोग हैं ये सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? भाई तुम एक्टिंग अच्छी कर लो, कोई नहीं कहेगा कुछ आपको। लेकिन भाई आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा सेफ आप महसूस करते हैं सिर्फ अपने घर में, जैसे हम, क्योंकि हमारे घर में चोरी करने के लिए है ही कुछ नहीं, तो हम लोग बड़ा सेफ फील करते हैं। उस दिन चोर आए हमारे घर में, उल्टा हमारे घर में 1 किलो सेब रख के गए मेरे फ्रिज में। साथ में चिट्ठी लिख के दे गए मेरे को, कहते हैं कितनी गर्मी तो बाहर नहीं जितनी तुम्हारी फ्रिज में है। साथ में लिखा हुआ था फ्रिज के ऊपर 150 रुपया पड़ा है और कुछ खाने पीने को मंगवा लेना। चिट्ठी के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि हमें तो उसी टाइम समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारा दरवाजा खुला मिला, कि जिनके पास कुंडी लगाने को पैसे नहीं इनके घर में क्या मिल जाएगा, बाबा जी को टल्लू। ठंडन पाल मदन गोपाल। खैर पाजी, घर घर होता है, हम सब एक अच्छे घर का सपना देखते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे जो लोग बैठे हैं हमारे दोस्त, ये क्या सोचते हैं घर को लेकर? आपको क्या लगता है कि सपनों का घर कैसा होना चाहिए? कोई मेरे भाई बंधु जो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं चाहता हूं कि मेरा घर ऐसा हो कि दुनिया से एकदम दूर, जहां पे कोई आए ना जाए। दुनिया में कोई आए जाए ना है? घर चाहिए, टापू चाहिए, जेल चाहिए। ये आपका सपना है क्या? आप कहीं से गाना सुन के आए हैं आप? जी नहीं सर, मेरा सपना है सर। क्या है सर, एक्चुअली दुनिया में डिस्टर्बेंस है सर, तो ऐसा चाहिए कि जहाँ पे मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कोई ना हो। आप मतलब आप दोनों रहे, तीसरा कोई ना हो? हाँ जी, तीसरा कोई ना हो। अगर तुम ज्यादा देर ऐसे दोनों रहोगे तीसरा तो आएगा ही। और कोई हमारे भाई बंधु? हाँ जी सर, मेरा नाम मगन है। क्या नाम है? मगन। मगन? हाँ सर। अरे वाह मगन। और मेरा सपना ये है कि मेरे पास जो है लग्जरी गाड़ियां हो, 4-5 घोड़े हो, बार हो और स्विमिंग पूल हो। और बार भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, घोड़े भी हो। हाँ। पता चले बार में से पी के बाद में खुद ही घोड़े के नीचे आए हो। या कहीं पी के स्विमिंग पूल में डुबकी मार दो। नहीं नहीं सर, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा और अपने माँ बाप के लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जो सी व्यू हो। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा सपना है आपका। भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। तब लखनऊ में समंदर कौन खुदवाएगा पहले? सी व्यू का। पर लखनऊ में भी आप सी व्यू घर बना सकते हैं। आप लखनऊ में जहां पे घर बनाएंगे ना, तो जो सामने बिल्डिंग होगी उस पर सी लिख देना, तो सी व्यू हमारा। पर ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है सर, माँ बाप के लिए सोचते हैं कि अच्छा घर हो माँ बाप के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, माँ बाप के लिए एक अच्छा घर वही है जिसमें उसकी औलाद सुखी रहे और उनकी सेवा करे। हाँ। तो ये आपकी सोच अच्छी है, घर भी बन जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू। ओ बच्चों के सलमान खान, ये क्या कर रहा है? अंदर कहां से घुसा है आप? मेरा नाम है पप्पू प्लम्बर। और हमने तो नहीं बुलाया किसी प्लम्बर को। अरे नहीं भाई साहब, क्या है, बुआ जी मुझे मार्केट में मिली थी। हाँ? कह रही थी कि नए घर में कुछ फंक्शन करना है। क्या और क्या है कि मैं पार्ट टाइम कव्वाली सिंगर भी हूँ। चढ़ता पानी धीरे धीरे चढ़ता है चढ़ जाएगा, चढ़ता पानी धीरे धीरे चढ़ता है चढ़ जाएगा। बस कर, पानी ऊपर चला गया, कोते खा के मर जाएगा तू, नीचे ले आ। अबे पानी नहीं होता रे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है चढ़ जाएगा, ऐसे है। अबे लेकिन मैंने कहा ना मैं प्लम्बर हूँ, मैं पानी चढ़ाता हूँ। सिद्धू भाई, कभी कभी ना काम करने का दिल नहीं करता, दिल करता है कि सामने बैठ जाऊं, इंजॉय करूं, मैं भी देखूं, मैं भी हंसूं खेलूं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा फनकार आए। हाँ। जिसको हम लोग सुनते रहे। वाह। सारी रात सुनते रहे। हाँ। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे मैगजीन के इंटरव्यू के लिए एक ऐसे ही फनकार आए हुए हैं जिनको देख के दिल करता है कि उनको देखते रहे, सुनते रहे। आपको मेरी बातों से पता तो चल ही गया होगा कि कौन आ रहा है, कि नहीं पता चल गया? नहीं। है? नहीं? नहीं? कुछ खाया पिया कर तो जो होश आए। थोड़ा हंस ले, कोई कॉमेडी नाइट्स है, रसम क्रिया विद कपिल शर्मा नहीं है।
पता नहीं जब मैं ऐसे मेरे भाई बंधुओं को देखता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों लगता देश अभी भी गुलाम है। अपने साथ वालों से कुछ सीख देख। हंसता खिलता भरा भरा चेहरा है पूरा। कहाँ से आई बहन जी आप? मलाड से। मलाड से क्यों? अच्छा उधर उधर ही रहती हैं आप? आप कहाँ से आए हो? हम भी मलाड से आए। आप दोनों साथ में आए हो? नहीं नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। अपने दोस्तों के साथ? दोस्त कहाँ बैठे फिर? हमारे दोस्त पीछे बैठे। तो घबराया क्यों हुआ यार? क्या करते भाई, क्या हुआ, क्या है? बिच्छू। कुछ नहीं हुआ है। खुश रहा करो। शादी वादी हो गई तुम्हारी कि नहीं? अभी नहीं। नहीं, इसी बात का तो नहीं गम ले बैठा? अभी तेरे को खुश करते हैं देख। इतना मजा आने वाला है, जो आज कलाकार आ रहे हैं, जब उनकी आवाज आपके कानों में पड़ेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं। जब भी पावे यार। भाजी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। और आप लोगों के परिवार में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है भाजी, नॉर्मल बात भी करते हैं तो कितने सुर में। ऐसा लग रहा है हारमोनियम रख के फिर बोल रहे हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता भी नहीं क्या हम आपको कितना प्यार करते हैं। क्या बात है भाजी, हम यही बात लता जी के बारे में बोलते थे। लता जी जब बोलती थी ना, हम जब नए नए देखते थे जी, तो मैं मुझे सुर में ही गाना पसंद है। तो आप मेरे बारे में ऐसे बोले तो मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई माच। अरे हजूरे वाला आप डिजर्व करते हैं। हजूरे वाला जनाबे अली, पत्थरों से शाहकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है, और जब होती है माँ सरस्वती की कृपा तो धरती पे सोनू निगम जैसा फनकार बनता है। मुझे कुछ कहना है आपके बारे में जी। और जब कला ऊंचाई लफ्जों की चतुराई एक पगड़ी के अंदर आई, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे सरदार बनता है। सुन भाई, आप जब इंडस्ट्री में आए, हम लोगों ने रफी साहब को सुना, किशोर साहब को सुना, मुकेश जी को सुना, तमाम इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर सुनते रहे हम लोग, जब आप इंडस्ट्री में आए आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई, बिकॉज इतने सारे कलाकारों के होते हुए एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने ट्रेनिंग कहां से ली, बेसिक सीखना कब शुरू किया आपने? आप इतने सीरियस अजीब लग रहा है मेरे को ना, लास्ट वाला नहीं समझ रहा था कि लास्ट वाली लाइन खत्म कहां पे करूं। तो आपने जब ये किया, मतलब एक्चुअली मैं इनको टीवी पे इतना देखता हूं, हंसते और हंसाते हुए बदमाशी करते हुए, कि मुझे जब भी सीरियस सवाल पूछेंगे कुछ कुछ मतलब इसमें भी आने वाला है, तो मैं देख रहा हूं अभी आएगा क्या, क्या आएगा, मैं बैकफुट पे हूं। नहीं नहीं, मैं सीरियसली, और क्योंकि आपके ऊपर वाकई माँ सरस्वती कृपा है, तो इतने लोगों का प्यार है जो भी है, लेकिन तुझे ब्रेक मारना नहीं आता मोटी, क्या कर रही है तू यार, बेवजह टचिंग वचिंग हो गया हमारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, और बाकी सारे सफेदी की चमकार से सराबोर, यहाँ डायरेक्टर अब्बास मस्तान लेकर आ रहे हैं अपना नया कॉमेडी शाहकार किस किस को प्यार करूं। तू आ जा पहले नीचे। दोस्तों, आप एक्शन सस्पेंस थ्रिलर देखते हैं हर रोज, लेकिन अब इस फिल्म में मिलेगा आपको कॉमेडी का डोज। जहां किस किस को प्यार करूं, कह रहा फिल्म का हीरो जो है कॉमेडी नाइट का जाना पहचाना चेहरा कपिल शर्मा। शर्मा जो दिखाकर चुल्लू चार चार हीरोइनों को बना रहा है उल्लू। जी दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक सुनकर आप हो जाएंगे नाचने पे मजबूर। जी हाँ, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक दिया है जिन जिन से लिया है उन्होंने दिया है। और इस खतरनाक शानदार म्यूजिक पर डांस करेगी पड़पड़गंज की रानी, आपके दिल के मलिका आज आपके सामने करने वाली है डांस। तो खुश होकर एक से एक रुपए दिया है सतीश जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धू जी ने दुआएं दी है, बहुत बहुत मेहरबानी। 1232 गाड़ी किसी बाहर खड़ी है उसको हटा दे। और दोस्तों, अब समय आ गया है के पी के क्विज का।
ये दोस्तों क्विज, मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिल्म के बारे में, आपको जवाब देना होगा। वो फिल्म जो 25 सितंबर को रिलीज हो रही है, बताइए आप में से कौन बताएगा उस फिल्म का नाम क्या है। हाथ खड़ा करने के लिए बोला, मैंने बताने के लिए बताया। सवाल मुश्किल है दोस्तों, जवाब है आसान। हाँ बताइए मैडम। किस किस को प्यार करूं? किसको करना है, हमको कर लो। सही जवाब। आपको मिलता है 25 सितंबर को लाइन में सबसे आगे खड़े होकर टिकट खरीदने का मौका। मौका मौका दो टिकटें हमारे लिए ले लीजिएगा। फ्रंट रो। किसी ने खुश होकर हमें जूता दिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जिसका भी ले जाए। चुप कर, ये बता तू रास्ते में रोड रोलर लेके क्यों घूम रहा है? माता जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, रोड रोलर नहीं रिक्शा है। वो तो मैं देख चुकी हूँ, मैं तेरे बारे में पूछ रही हूँ मुंडी। You're very funny. I'm very funny. लगता है ज्यादा पी लिया, आप मुझे नहीं पहचान रही है। जी मैं टू स्टार ऑर्केस्ट्रा, सामने बस अड्डा, प्रोपराइटर में की चड्डा दोस्तों। काम ऑर्केस्ट्रा और नचा भालू को रहा है। चड्डा साहब ये आपकी आईज के सामने खड़े होके मुझे भालू कह रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? ये खड्डा क्या कहेगा? खड्डा नहीं चड्डा। जो भी है तू अक्कल क्या रहा है यार? अरे आपका पोता है ना, उसकी फिल्म आ रही है, किस किस से प्यार करूं, उसकी मशहूरी कर रहे हैं। तू कर रहा है? ये देख कितना खर्चा करके हमने मोहल्ले को सजाया है, और मेरे पिट्टू की फिल्म की प्रमोशन तुझे से तुच्छे से कराऊंगी। दफा हो जा। दोस्तों कागज के फूलों से ना कभी सुगंध आई थी ना कभी आएगी, लेकिन जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात किसी ना किसी तरह तो हो जाएगी। बहुत खुश होकर हमें जोड़ी पूरी कर दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं 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 नहीं।